आयुष, रुद्र, चिंकू और कान्हा रात में एक पुल पार कर रहे हैं जिसमें टॉर्च की आवश्यकता है। जो टॉर्च उन्हें दी गई है उसके साथ केवल दो लोग एक साथ चल सकते हैं। अगर तीसरा व्यक्ति उनके साथ चलने की कोशिश करता है तो उनमें से एक पानी में गिर सकता है। उनमें से प्रत्येक अलग अलग गति से पुल को पार करता है। आयुष 1 मिनट का समय लेता है, रुद्र को 2 मिनट लगते हैं, चिंकू को 7 मिनट लगते हैं और कान्हा को 10 मिनट लगते हैं। उन सभी को पुल पार करने के लिए लिया गया कम से कम समय क्या है? यदि दो लोग एक साथ चल रहे हैं तो तेज गति के व्यक्ति को धीमी दर के व्यक्ति की गति से चलना होगा। ज्यादातर लोगों का पहला हल होगा कि सबसे तेज गति का व्यक्ति सबके साथ रहेगा, मतलब आयुष और कान्हा। फिर आयुष वापस आएगा जिसमें 10 और 1 11 मिनट का समय लगेगा। फिर आयुष और चिंकू जाएंगे और आयुष वापस आएगा जिसमें 7 और 1 8 मिनट का समय लगेगा। फिर आयुष और रुद्र जाएंगे जिसमें 2 मिनट का समय लगेगा। कुल समय हुआ 21 मिनट, जो कि गलत है। जबकि होना कुछ ऐसा चाहिए, सबसे पहले आयुष और रुद्र जाएंगे और रुद्र वापस आएगा जिसमें समय लगेगा 2 और 2 4 मिनट। फिर टिंपू और कान्हा जाएंगे और आयुष वापस आएगा जिसमें समय लगेगा 10 और 1 11 मिनट। और अंत में रुद्र और चिंपू जाएंगे जिसमें समय लगेगा 2 मिनट। तो कुल समय हुआ 17 मिनट।